हल्द्वानी में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। इसको लेकर नगर आयुक्त ने बताया कि व्यापारियों को 19 जनवरी तक की मोहलत दी गई है। इसके बाद 20 जनवरी से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ महाअभियान लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस किसी व्यापारी के घर, गोदाम और दुकानों में प्लास्टिक की पॉलिथीन है, वह निगम कार्यालय में 19 जनवरी तक जमा करवा सकता है। इसके बाद विभाग छापेमारी कर ऐसे व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और उनके प्रतिष्ठानों को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक प्लास्टिक की सिंगल यूज पॉलिथीन प्रयोग करने वालों के खिलाफ 250 से अधिक चालान कर 7 लाख का जुर्माना वसूला गया है। वहीं साफ तौर पर कहा कि 20 जनवरी से किसी को भी कोई मोहलत नहीं प्रदान की जाएगी और किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अवगत है कि सिंगल यूज प्लास्टिक भारत सरकार की जीओ से, उत्तराखंड सरकार की जीओ से और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से प्रतिबंधित है। इसको रोकने के लिए अवेयरनेस, बड़े पैमाने पर अवेयरनेस प्रोग्राम किए गए हैं, पंपलेट वितरण किए गए, पेपरों में छपाया गया है और अनाउंसमेंट कराया गया है। और बार बार जब छापेमारी की कार्रवाई करते हैं, उसके जो समाचार पत्रों में आते हैं, मीडिया में चलते हैं, सोशल मीडिया में चलते हैं, उसके माध्यम से भी लोग अवेयर हैं। लेकिन उसके बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण और उपयोग नगर निगम क्षेत्र में पूरी तरह से अभी तक नहीं रुक पाया है। इसको लेकर के हमने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि 19 तारीख तक जिसके पास सिंगल यूज प्लास्टिक है वो नगर निगम में स्वेच्छा से जमा कर दे। और जो हमने आदेश में किया है कि जुर्माने के साथ साथ हम उन प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई भी करेंगे जहाँ पर यह अवैध सामग्री भंडारित की जा रही होगी, बड़े पैमाने पर पाई जाएगी। और उसके बाद भी व्यापारियों से मैंने अपील करी है कि अगर इसमें कुछ कहना है, कोई बात उनको कहनी है अपनी, तो 17 और 18 तारीख को 3 बजे से 4 बजे के बीच नगर निगम कार्यालय में आकर के संवाद कर सकते हैं, इस स्थिति को स्पष्ट कर सकते हैं, जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि व्यापारियों के साथ विश्वास बहाली करते हुए पूर्ण से प्रतिबंध लगाया जाए। उसके बाद भी यदि कोई व्यापारी या उपयोगकर्ता भंडारण करने से या उपयोग करने से बाज नहीं आएगा तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।